हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू स्वागत करती हूँ आप सभी का माय किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ लिट्टी चोखा, एकदम से बिहारी स्टाइल में। ये आलू को छील करके इसको कुकर में डालेंगे, छील के अच्छी तरह से धो लिए। और ये टमाटर, यहाँ पर बैंगन को 4 टुकड़ा में काट चुकी हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बैंगन को काटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो बीच बीच में पता चलेगा कि कीड़ा है, इसलिए इसको काट के और इसको बॉयल होने के लिए इसमें पानी डाली हूँ मैं 1 कप। इसको बॉयल होने के लिए गैस पे चढ़ाऊँगी और ढक्कन बंद करके 2 सीटी लगाएंगे। जब तक चोखा के लिए टमाटर, बैंगन और आलू बॉयल हो रहा है, तब तक मैं सत्तू बना ले रही हूँ। यहाँ पे मैं 100 से 150 ग्राम तक सत्तू ली हूँ, नमक स्वाद अनुसार, काला मिर्च पाउडर है ये, ब्लैक पेपर 1/4 चम्मच, आधा चम्मच मैंगरेला अजवाइन, छोटा छोटा टुकड़ा में किया हुआ अदरक, अदरक 1 इंच से कम है। और यहाँ पे मैंने 8 से 10 कली लहसुन के छोटा छोटा टुकड़ा कर ली हूँ, 3 से 4 हरी मिर्च, 1 बड़ा साइज प्याज काट कर छोटा छोटा टुकड़ा में, धनिया का पत्ती। अब इसमें मैं ये आधा नींबू निचोड़ूंगी। नींबू निचोड़ने से पहले उसका विष निकाल देंगे और इसमें अब डालेंगे 1 चम्मच तेल सरसों का, क्योंकि सरसों का तेल डालने से काफ़ी चटपटा बनता है। अब इसको आप चाहें तो सिर्फ तेल से भी मिक्स कर सकते हैं, सिर्फ तेल डालकर, या इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। मैं इसमें पानी भी मिलाऊंगी थोड़ा सा। ये देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको ऐसे मिलाएंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे इसको। इसमें थोड़ा सा भी और पानी चाहिए। इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया सत्तू बनके तैयार हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसमें अचार का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं आटा गूंथ ले रही हूँ। अब मैं इसे आटे को सान ले रही हूँ। आटा हमेशा, जब भी लिट्टी का आटा सानेंगे, बिल्कुल टाइट सानेंगे, उससे खस्ता बनता है और थोड़ा कड़क बनता है। थोड़ा थोड़ा पानी करके आटा को सानेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना टाइट आटा साना हुआ, बिल्कुल अंदर नहीं जा रहा, बहुत टाइट है। अब इसको इस तरह से गोल गोल कर लेंगे। सारे आटा को इस तरह से करने के बाद इसमें से ले करके ऐसे करेंगे, गोल गोल करने के बाद इसको इस तरह से हाथ से दबाते जाएंगे। उसमें आप सत्तू डालेंगे, सत्तू को इस तरह से दबाते जाएंगे। इस तरह से फ्रेंड, ये देखिए कितनी बढ़िया लिट्टी भर चुका है। इसी तरह से सारे लिट्टी को बना लेंगे। इस तरह से सारे लिट्टी को मैं बना चुकी हूँ। अब मैं फ्रेंड चोखा बनाने जा रही हूँ। आलू, बैंगन सब पक चुके हैं। बैंगन में का छिलका निकालेंगे, इसको निकाल लेंगे पहले, इसके बाद इसके इस तरह से इसका छिलका निकाल देंगे। इस तरह से
इस तरह से छिलका अलग कर देंगे टमाटर और बैंगन का। अब आलू को मैश कर ले रही हूँ। गैस पे रखी हूँ कढ़ाई को। कढ़ाई गरम हो रहा है, उसके बाद इसमें तेल डालूँगी। कुकर में ही बैंगन और टमाटर को डाल के मैश कर लेंगे। कढ़ाई में तेल डालेंगे, इसमें जीरा डालेंगे, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज। लाल होने तक भूनेंगे इसे। प्याज को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें डालूंगी नमक, नमक स्वाद अनुसार। और 1/4 चम्मच गरम मसाला। बैंगन, आलू और टमाटर जो मैश ली थी उसको इसी में डालूंगी। अब इस तरह से इसको 2 से 3 मिनट के लिए चलाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुका है, इसमें बबल्स भी आने लगे हैं। बिल्कुल तैयार है चोखा, बिल्कुल तैयार हो गया है। अब गैस के ऑफ कर दे रही हूँ। अब फ्रेंड्स लिट्टी बनाने जा रही हूँ। इसको आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल बिहारी स्टाइल में, जो गोइठा होता है उस पर बनाऊंगी या उपला। इस तरह से सभी लिट्टी को रख लेंगे। अब इसे ऐसे पलटते जाएंगे ताकि लिट्टी जले नहीं इस तरह से, नहीं तो आग तेज रहेगा तो लिट्टी जल भी जाएगा। इसी तरह से सभी लिट्टी को पलटते जाएंगे हाथ बचा के। इसी तरह से लिट्टी को बराबर चलाते रहेंगे ताकि लिट्टी जले नहीं और धीरे धीरे आंच पे अंदर से पक जाए। पलटते रहेंगे इसको, लिट्टी बिल्कुल फटने पे चल दिया है मतलब लिट्टी पक चुका है। इस तरह से लिट्टी को निकाल करके फिर इसको आग में ढक देंगे। इस तरह से गड्ढा करके और इसको ढकेंगे। इस तरह से इसको ढक देंगे। अच्छी तरह से ढक के पक जाए। इस तरह से लिट्टी अब निकाल लेंगे। अब लिट्टी पक चुका है। कितनी अच्छी लिट्टी बन चुकी है। अब इसको साफ कपड़ा में झाड़ेंगे। साफ कपड़ा में इस तरह से झाड़ लेंगे।
तरह से दोनों तरफ कपड़ा को पकड़ लेंगे और इस तरह से हिलाते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड कितना साफ हो चुका है। फ्रेंड ये देखिए, ये बिना झाड़ा हुआ है, ये झाड़ा हुआ है, कितना साफ हो चुका है दोनों। ये फ्रेंड्स लिट्टी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें घी लपेटेंगे, इसमें घी को इस तरह से डुबाएंगे। इसी तरह से सभी लिट्टी को बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया लिट्टी चोखा बनकर तैयार है खाने के लिए एकदम बिहारी स्टाइल में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।